हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हवाई फ़ोन में एसडी कार्ड कैसे फॉर्मेट करें। तो गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एसडी कार्ड को फॉर्मेट करने में, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने में, तो आप कैसे आसान तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि गाइस फॉर्मेट ये इसी सेटिंग से होता है, मोबाइल के सेटिंग से ही होता है। तो सेटिंग में जाने के बाद अब आपको आना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज नाम का। तो आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए स्टोरेज पर क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज मिल जाएगा। हो सकता है आपके मोबाइल में स्टोरेज के नाम पर किसी और नाम की सेटिंग हो, मतलब कि किसी और नाम से भी सेटिंग हो सकती है स्टोरेज वाली। तो आप इसे थोड़ा चेक कर लेना, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको आना है थोड़ा नीचे। देखिए यहाँ पर ऊपर फ़ोन स्टोरेज शो होगा, इसके नीचे एसडी कार्ड मिलेगा। तो मेरे मोबाइल में सबसे नीचे एसडी कार्ड है, तो आप चेक कर लेना, फिर आपको एसडी कार्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से आना है थोड़ा नीचे, और सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एसडी कार्ड का। तो फॉर्मेट एसडी कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। और जैसे फॉर्मेट, देखिए आप पासवर्ड डाल देते हैं तो फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे एसडी कार्ड ऑल इरेज हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि इस मेमोरी कार्ड को, इस एसडी कार्ड को किसी दूसरे मोबाइल में लगा कर फॉर्मेट करके फिर से आपको इसी मोबाइल में डाल देना है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।